प्रीव्यू। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज बुलेटिन। आजाद चौक से जो टीवी सेंटर तरफ रोड जा रहा है उस रोड पर एक कार का हादसा हुआ है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आज सुबह में हादसा हुआ करीब 11 बजे के टाइम पर। एक कार है जिसका बताया जा रहा है स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उस कार ने जाके हिट किया। वहां पर एक ऑटो खड़ा हुआ था साइड में, उसे हिट किया। उसके बाद वहां पर कुछ लोग जो चेयर पर बैठे थे और ऑटो का ड्राइवर चेयर पर बैठा था उसे हिट किया और उस ऑटो को घसीटता हुआ करीब करीब 50 फीट दूर तक इस कार ने लेकर आई। इसमें एक इस कार की चपेट में एक टू व्हीलर भी आई है, वो भी डैमेज हुई है और उसके भी जो ड्राइवर है जो बाइक चला रहा था लड़का उसे वो भी बताया जा रहा है कि काफी जख्मी है। इस कार को ड्राइव कर रहे थे डॉक्टर शेख मुतशीर। ऐसा अभी तक की यहाँ पर जो लोग मौजूद है जिन्होंने हादसा देखा इनसे हमें जानकारी मिली है। इस हादसे में डॉक्टर जो बताया जा रहे हैं इसमें उन्हें भी कुछ चोट लगी है, वो भी सहारा हॉस्पिटल में एडमिट है और बाकी जो लोग हैं उन्हें MGM हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। करीब करीब 3 से 4 या 5 लोग इसके अंदर जख्मी बताए जा रहे हैं। इस मामले पे आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।